Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Aditi. This is Aditi Priya and I appear for Neet 2020-22. So in this video, काफी ज्यादा बच्चे बोल रहे थे कि दीदी प्लीज फिजिक्स स्ट्रैटेजी वीडियो बना दो. सो येस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट फिजिक्स स्ट्रैटेजी. मैंने कैसे स्टार्ट किया अपनी जर्नी, मैं किस सिचुएशन में थी, मतलब बहुत ही ज्यादा पानी में थी, फिर मैंने कैसे इम्प्रूव किया एंड कौन कौन से स्टेजेस आए, मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हुई एंड फिर मैंने उनमें कैसे रेक्टिफाई किया. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. इन दिस वीडियो मैं बेसिकली अपने पहले मिस्टेक्स बताऊंगी एंड फिर उन्हें मैंने कैसे रेक्टिफाई किया, मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी रही मैं वो बताऊंगी. तो मैं अगर पिछले साल से स्टार्ट करूं तो अप्रैल तक मेरी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी. मैं 45 क्वेश्चंस होते थे ना, अगर मैं चैप्टर वाइज भी कर रही हूँ या फिर मैं कोई मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ तो मेरे 45 क्वेश्चन में से ना मुश्किल से 4 क्वेश्चन बनते थे और वो भी इतना ज्यादा टाइम लगता था ना वो बनाने में. तो मैं इस सिचुएशन में थी अप्रैल तक. फिर मई में हम सबको पता चला कि ठीक है उम्मीद बैच आ रहा है जो कि यूट्यूब पे होगा एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नीट 2020-21. तो सिंस मुझे लास्ट ईयर अटेम्प्ट तो करना ही था नीट और मैं काफी ज्यादा सीरियस भी थी कि हाँ भाई नीट तो करना ही है, तो मैंने सोचा कि मेरी फिजिक्स बहुत ही ज्यादा पानी में थी उस टाइम, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं उम्मीद बैच को फिजिक्स के लिए, एटलीस्ट फिजिक्स के लिए पूरा फॉलो करूंगी, पूरा. फिर मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, उम्मीद बैच स्टार्ट हुई. फिर सर लेक्चर्स देते थे, अलग सर पढ़ाते थे तो क्या ही बोलना, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे पढ़ती थी. मैं उनके 7 घंटे की लेक्चर हो या 9 घंटे की लेक्चर हो, मैं वो पूरा देखती थी, पूरा. एंड वो जहां बोलते थे पॉज करो, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो मैंने सारे किए. मैंने बस गलती ये करी थी कि मैंने उनके जो डीपी भी देते थे ना वो उस लेक्चर खत्म होने के बाद, मैंने वो नहीं लगाए थे, इसलिए शायद मेरे ज्यादा मतलब स्कोर नहीं बन पाए थे नीट 2021 में, इसलिए मेरे पिछले साल तो स्कोर नहीं बन पाए. बट वो सारी मिस्टेक्स मैंने रेक्टिफाई की और इस साल मेरे स्कोर बने हैं 156 एंड 50. सो मैं एक एक करके अपने सारे मिस्टेक्स पॉइंट आउट करूंगी, ठीक है. सो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने अपने पूरे जर्नी में की वो ये थी कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया कि भाई फिजिक्स हार्ड है, मुझसे तो नहीं होगी. मतलब ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हर एक बच्चा करता है. जैसे आज डर लग रहा है ना फिजिक्स से, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये जरूर बताया है कि फिजिक्स हार्ड होती है और मुझसे नहीं होगा. और मैंने तो ये सोचा था कि ठीक है फिजिक्स, तो ऐसा लगा था कि बायोकेमिस्ट्री कर लेंगे, फिजिक्स तो क्या ही है, 100 मार्क्स ले आएंगे फिजिक्स में और सिलेक्शन हो जाएगा. बट नहीं, अब तो सबको ये ट्रेंड पता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. अब तो 600 प्लस भी क्या, मतलब 620-630 प्लस होना चाहिए तभी एक अच्छा गवर्नमेंट सीट मिलेगा. तो ठीक है, तो पहली मिस्टेक तो यही की थी कि सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि फिजिक्स हार्ड होती है. मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि अप्रैल तक मुझसे 4 क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो उसमें मेजर मिस्टेक ये रही ना कि मैंने लेक्चर सुन लिया और घर जाके उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही नहीं लगाए. तो अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया बट उसके क्वेश्चंस ही नहीं करे, मुझे पता ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे कैसे, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो मैं अपने आप से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं टेस्ट में जाके पूरे 45 में से 45 क्वेश्चंस बना लूँ. तो ठीक है, ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी. देन द थर्ड मिस्टेक विच आई डिड वॉज कि टेस्ट से पहले मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज ही नहीं करती थी. मैं क्या करती थी, सिर्फ फॉर्मूले देख लिए और सोची थी हो गया रिवाइज तो हो गया. बट ऐसे नहीं होता है, टेस्ट से पहले हमें कॉन्सेप्ट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना तो तुम न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं सकते हो. हमें, मुझे ऐसा लगता था, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता था कि फिजिक्स में क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट तो तुमने सुन लिया, तुम्हें फॉर्मुलेज याद करने होते हैं और सीधा न्यूमेरिकल लगाना होता है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में सेट करना पड़ता है कि ये कॉन्सेप्ट है, तुम्हें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा सोचना है कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर जाके उससे जो फॉर्मूला रिलेटेड होता है वो लगाना होता है. तो ऐसे न्यूमेरिकल का अप्रोच होता है, इट्स नॉट लाइक कि तुमने फॉर्मूला रट लिया और तुम क्वेश्चन बनाने चले गए, ऐसे कभी सॉल्व नहीं होगा. नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने वो की थी वो ये थी कि मैंने एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस नहीं किया और ऑल्सो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए. बिकॉज मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाए थे. तो जो भी कोई टेस्ट होता था उससे पहले मैं बस, मैंने बताया, फॉर्मूला देख लेती थी तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स नहीं आएंगे. शॉर्ट नोट्स में ना तुम्हें फॉर्मूलाज तो लिखना ही है बट उससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी लिखना होता है. बिकॉज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट भी, वो समझना पड़ेगा कि हाँ चलो ये कॉन्सेप्ट था फिर हम ये करते हैं. जैसे कि रेजिस्टेंस वाला हो गया, तुमने बस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया कि सीरीज में ये होता है, पैरेलल में ये होता है, बट तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि सीरीज में कैसा होता है कि जहां पे अगर दो डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल हो गया, सीरीज में एक कंटिन्यूस होता है. तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी जाना है और फिर फॉर्मूला याद करना है, फिर न्यूमेरिकल अप्रोच करना है. तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी. एंड नाउ गेटिंग टू द सोल्यूशन, सबसे पहला सोल्यूशन यही होगा कि अपने आप को ये बोलना बंद कर दो कि फिजिक्स हार्ड होती है, नहीं होती हार्ड. मतलब यार उसका एक करेक्ट वे होता है जिसमें तुम्हें पढ़ना होता है.
अगर वो फॉलो नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली बात है हार्ड लगेगी, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे. तो अपने दिल को बोलो कि नहीं, इतनी हार्ड नहीं है, अगर मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो मैं कर सकती हूँ, और इट्स नॉट दैट हार्ड, मुझसे हो जाएगा, मुझसे क्वेश्चंस बनेंगे. और ये प्रॉमिस करो आज, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि वो हार्ड नहीं होता है, तभी जाके. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम लेक्चर देखो घर जाके, या फिर लेक्चर देख लो घर में रात में बैठ के, उस पे जितने क्वेश्चंस हो सके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो सारे करो. PYQs मस्ट होते हैं, PYQs हर चैप्टर के या हर टॉपिक, जैसे ही तुम्हारा वो टॉपिक खत्म हो, टॉपिक वाइज भी PYQ वाला आता है, वो लो. PYQ तुम्हें लगाने ही है, पहले सबसे पहले यही करना है कि PYQ लगा लो. जैसे वो टॉपिक पढ़ा दिया, घर आके उसके PYQ लगा लो, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं ना वो सारे प्रैक्टिस करो. फिजिक्स में यही है कि तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, और जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना, जितने क्वेश्चंस लगाओगे तुमसे, ठीक है यार स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे, मुझसे भी नहीं बनते थे, बहुत बहुत टाइम लगता था, आधा आधा घंटा लग जाता था एक क्वेश्चन में, पर ठीक है, टेक योर टाइम. अभी फिर भी 9 महीने हैं, हम अभी रिस्क ले सकते हैं, रादर देन कि ठीक है बाद में हमारे स्कोर ही नहीं आ रहे, अभी से रिस्क लेना स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे, बिल्कुल मैं जानती हूँ, मुझसे भी नहीं बनते थे, बट ठीक है लास्ट में आके ना तुम्हें ऐसा लगेगा ठीक है यस आई हैव डन दिस, एंड इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना. तो ठीक है अभी टाइम लग रहा है, ऐसा मत सोचना कि मुझसे तो बन ही नहीं रहा, मुझसे होगा ही नहीं, अभी टाइम लगेगा, टेक यू टाइम. पर उस टॉपिक के ना इतने ज्यादा क्वेश्चन कर लो कि तुम्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आए कि हाँ भाई अब इससे कुछ भी दे दो मैं बना लूंगी, तो ऐसा आना चाहिए. तो वो तभी आएगा जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ा दोगे हर एक टॉपिक. और हाँ, NCERT के सारे क्वेश्चन करना इज अ मस्ट, NCERT के सारे क्वेश्चन करना, और NCERT को भी पढ़ते जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो वो टॉपिक पढ़ाते जाएंगे ना सर उसकी ही NCERT रीड करते जाना, और NCERT में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे करते जाना. ये सारे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसे अब तो assertion reason क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पढ़ते जाना. और वही है कि टेस्ट जो है एक भी मिस मत करना, हमेशा सारे टेस्ट देते रहना, क्या हो गया एक टेस्ट दो टेस्ट में गंदे आएंगे, बट उसके बाद तो अच्छे आएंगे ना, फिर दिल को सुकून मिलती है कि यार चलो अब तो अच्छे आ रहे हैं. अभी 2-3 साल से तो ऐसा ट्रेंड हो गया है कि न्यूमेरिकल्स, मतलब इस बार का स्पेशली देखे तो न्यूमेरिकल्स तो काफी इजी आए थे हमारे, और कॉन्सेप्ट बेस उन्होंने काफी हार्ड कर दिया था, यू नो एसर्शन रीजन कर दिया था. तो उसके लिए ना NCERT की एक नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि NCERT के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, या फिर NCERT की एक बार रीडिंग मार लेना, अगर डेली बेसिस पे करोगे ना तो ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा. इसलिए NCERT को अभी से, अभी तो काफी टाइम है, तो अभी से स्टार्ट रीडिंग इट, ओके, ताकि बाद में जाके ऐसे बर्डन फील ना हो और NCERT के क्वेश्चंस कर लेना. और लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिकुलरली, मैं टॉपिक वाइज बताती हूँ कि किसमें कॉन्सेप्ट रिविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट्स कमिंग टू द फ्रिक्शन वाला पार्ट. सो फ्रिक्शन वाले पार्ट में आई बिलीव कि ठीक है तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली बात है कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे, बट उस मेजरली उस वाले पार्ट में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद वो पुली वाले क्वेश्चन हो गए, उनमें ना मतलब इतने डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस बनते हैं, तो तुम जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना फ्रिक्शन वाले पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करना उसमें. फिर कमिंग टू द ग्रेविटेशन एंड रोटेशन वाला पार्ट, आई पर्सनली बिलीव कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, और उन सारे कॉन्सेप्ट के डीप अंडरस्टैंडिंग इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ताकि तुम उनके न्यूमेरिकल्स कर सको, बिकॉज रोटेशन लाइक मुझे भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लगता था, तो उसमें अगर तुम बहुत ज्यादा डीप उनके मतलब उनके जो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फिर क्वेश्चन बनाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. हाँ उसमें भी क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें आई सजेस्ट कि सबसे पहले तुम ना PYQs में बहुत ज्यादा अच्छे से कमांड कर लो, भी हो जाएंगे. फिर फ्लूइड्स में भी आई पर्सनली थिंक कि उसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है, बिकॉज वो सोप बबल वाला हो गया, और उसमें तो मतलब ठीक है उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट करना. फिर हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में, तो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे ना तो हो जाएंगे वो चैप्टर, ज्यादा हार्ड नहीं है समझने में, वो आराम से हो जाता है. ऑसिलेशंस एंड वेव ऑप्टिक्स आता है, तो वो तो मुझे बहुत ही लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है यार, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे ना लेक्चर्स के साथ साथ कर लोगे ना तो बहुत मजा आएगा, मुझे तो पर्सनली वो चैप्टर्स बहुत प्यारे लगते थे. तो ठीक है उसमें भी कॉन्सेप्ट करना, उसके क्वेश्चंस तो यार देखो फिजिक्स में यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. फिर कमिंग टू द 12th पार्ट, 12th में तो मेजरली जो फर्स्ट बुक है ना वो तो मतलब वो मुझे अच्छी लगती थी, काफी अच्छी लगती थी, तो फर्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन भी है, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ो क्वेश्चंस करते जाओ, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बिकॉज वो इतने प्यारे इतने अच्छे चैप्टर्स है यार, मतलब डिफिकल्ट भी है, मैग्नेटिज्म वगैरह बहुत अच्छे लगते थे मुझे सारे चैप्टर्स, तो उनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो यार, जैसे कि मैंने बताया अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे ना कि इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है मजा आएगा पढ़ के, तो ईजी लगेगा, सच में ईजी लगने लगेगा.
तो वही कॉन्सेप्ट्स वो टीचर्स पढ़ाएंगे उनको, घर आके एक बार आंखें बंद करना, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यू नो क्विक रिवीजन देना, वो जब तुम कर लोगे इसके बाद फिर फॉर्मूलाज याद कर लेना, फिर क्वेश्चन करने जाना। यार बनेंगे, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे, बट धीरे धीरे जब तुम ये प्रैक्टिस हमेशा करते जाओगे तो आराम से बनेंगे। और टेस्ट देते रहना, उनके वही है कि उनके टेस्ट दोगे ना तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। उसके बाद हम आते हैं ईएमआई वगैरह पे, तो ईएमआई में तो आई थिंक रटने की चीजें ज्यादा है, तो उनके फॉर्मूलाज वगैरह वो कर लेना। और वही है कि वेव का फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ वगैरह, तो वो सब तो याद कर लेना। देन कमिंग टू द वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, उनमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है, रे डायग्राम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना, उन्हें अच्छे से समझना। जब तुम्हारी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा हो फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना, बिकॉज उसमें उन दोनों चैप्टर्स में ना बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। लाइक वेव ऑप्टिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इजी है। वेव ऑप्टिक्स मुझे कंपैरेटिवली इजीियर लगता था रे ऑप्टिक्स से, वो दोनों ही इजी होंगे अगर तुम अच्छे से स्टार्टिंग से उसमें पढ़ते जाओगे ना। ऐसा अगर तुम बाद में बोलोगे कि नहीं मैं एक साथ वो चैप्टर पढ़ लूंगा तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट हाँ वो ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आराम से करोगे होगा। रेनबो वगैरह पढ़ने में मजा आता है यार। फिर हम आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी क्वेश्चन हो सके ना उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो ऐसे ही करो। फिर हमारा आता है सेमीकंडक्टर्स, या वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें मैंने एमआर सर से पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे पढ़ के, उन्होंने एक पूरी स्टोरी के वे में पढ़ाया था, तो ऐसे यू नो फन टीचर से पढ़ना अच्छा लगेगा। उसके बाद हाँ सेमीकंडक्टर्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी रिक्वायर्ड होती है, और यू नो उसमें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स के थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। एनसीईआरटी के सारी थ्योरी क्वेश्चंस करना, वो जो बीच में प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना और क्वेश्चन लगाना। सो वही है यार फिजिक्स में यू नो मेन मंत्र है इसकी, तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, उसके जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट मत छोड़ो, अच्छे से पढ़ते जाओ। जिस दिन जो पढ़ाया उसकी एनसीईआरटी रीड कर लो, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, पीवाईक्यूज लगा लो, और टाइम बचता है तो उससे पीवाईक्यू से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस होते हैं वो कर लो। दैट इज इट यार, इतना करोगे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी बट धीरे धीरे बहुत स्मूथ हो जाओगे तुम। मतलब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 94 आए थे, बट मैंने सिंस बताया कि अप्रैल में इतनी गंदी हालत थी मेरी कि चार क्वेश्चन नहीं बनते थे, बट उम्मीद बात से किया मैंने, अच्छा लगता था पढ़ने में। वही है कि मैंने डीपीपी नहीं लगाई थी, मैंने यू नो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं की थी, बस जो सर कराते थे ना क्लास में बस उतना ही करती थी, इसलिए 94 ही आ पाई, बट वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, अभी से बना लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। सो आई थिंक दैट्स ऑल, आई होप थोड़ा बहुत बेनिफिशियल होगा यार, ऐसे फॉलो करोगे ना तो होगा, बनेगा, अच्छे से बनेगा। और या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। सो इफ लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव्स अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।